हेलो बच्चों कैसे हो सब लोग क्या हाल चाल बच्चा क्या हाल चाल कैसे हो सब अच्छा है गुड आज क्यों ब्रेक नहीं मांगा रहे देखो लिख दिया एक ब्रेक लिख दिया एक कोई वाला ब्रेक चाहिए अभी लिखा है एक बच्चा ये वाला ब्रेक गाड़ी वाला ब्रेक मांगा है तेरी गाड़ी का ब्रेक मेरे पास पास कैसे होगा रे हम्म तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक मेरे पास कैसे हो सकता है बताओ बोला ब्रेक तो तुम्हारे पास होगा है ना? टाइम ब्रेक <laughs> चल पढ़ाई करते हैं बच्चा तो देख हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़ रहे थे बेटा रोलिंग मोशन के बारे में पढ़ रहे थे है ना बेटा मोशन के बारे में पढ़ रहे थे बेटा हम लोग ठीक है चलो क्वेश्चन करें बच्चा उसके ऊपर देख बेटा क्वेश्चन देखो क्वेश्चन ये है बेटा कि क्वेश्चन ये है कि एक स्मूथ सरफेस मान लो बेटा नहीं रफ सरफेस मान लो रफ सरफेस मान लो है ना ठीक इसके ऊपर एक रख दिया बेटा हमने स्पेयर इस पर रख दिया हमने एक स्पेयर और ये तुम्हें तो मैंने बताया नहीं कि ये हॉलो है कि सॉलिड है तो क्या मानोगे बच्चा अगर ये बताया ना जाए कि हॉलो या सॉलिड तो क्या मानोगे बोलो बोलो मानोगे ना सॉलिड बोलो बेटा जब कुछ भी ना हो तो क्या मानते हैं बच्चा सॉलिड मानते हैं है ना तो देख बेटा इस वाले पे कहता है कि ऐसे मैंने फोर्स लगाया एफ ऐसे मैंने फोर्स लगाया एफ इस फेयर का मास है रेडियस आर है ठीक है बेटा ठीक है ये क्या है ये बच्चा सॉलिड यूनिफॉर्म स्फेयर ठीक है क्वेश्चन कहता है बेटा द सरफेस इज द सरफेस इज रफ इनफ सरफेस जो हमारा है बेटा वो रफ है है ना रफ इनफ फॉर रोलिंग रोलिंग के लिए काफी है इसका मतलब कंफर्म हो गया कि स्लाइड नहीं करेगा बेटा ठीक है तो सवाल पूछता है फाइंड फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेकंड पूछता है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी ठीक है चलो बनाओ बना बच्चा सॉल्व करो एक बनाओ एक लिखो सॉल्व करो नयन नहीं, नहीं, ठीक से बनाओ बच्चा हाँ बच्चा रिकॉर्ड कर दूंगा अपलोड भी कर लूंगा पहले तुम बनाओ म्यू दिया हुआ नहीं है बच्चा चलो तुम म्यूस याद दिलाया तुमने म्यू से याद दिलाया दिला या। चलो इस क्वेश्चन में एक और पार्ट एड कर लिया जाए एक और पार्ट ऐड कर लिया है जाए मिनिमम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ये कितना होना चाहिए चलो ये भी सवाल ऐड कर लिया दुर्गा पूजा की छुट्टी तो बेटा कोटा में कभी मिली नहीं है आज क्या मिलेगी दसवीं को भी नहीं डाउट की स्पेलिंग है बच्चा डी ओ यू बी टी डाउट होता है एच डी नहीं हाँ बेटा कोटा में डाउट क्लास चालू हो गया है दिवाली की दस दिन वाली छुट्टी लगेगी क्या नहीं बिल्कुल नहीं दस दिन छुट्टी तो नहीं मिलेगी हो सकता है दो चार दिन की मिल जाए लेकिन बता छुट्टी लेके कहा जाएगा छुट्टी लेके तू जाएगा कहा बताओ छुट्टी मिल गई तो तू कंफ्यूज कर जाएगा कहां हम तो पहले से ही घर पे हैं है ना बदमाश का कितना क्वेश्चन डाउट लिखता है मेरे बंद कर चैट बंद कर रहा हूं क्वेश्चन मनाओ क्वेश्चन मनाओ चैट बंद हाउ टू अटेंड डाउट क्लास रजिस्टर पे चेक करो हो सकता है कुछ लिंक वगैरह आया होगा या अगर कोटा में हो तो ऑफिस में आ जाना सेकंड फ्लोर पे जो जो सॉल्व कर लिया आंसर भेजो जो लोग सॉल्व कर चुके हैं आंसर भेजो बच्चा विद्यानिवास का आया आंसर हर्षित का भी आया मुकेश का आया और आदर्श का आंसर आ रहा है स्क्रीन ब्लर लेकिन ऐसा है नहीं संस्कार नयन बट बंद करो सब कमेंट करना पढ़ाई करो सीधा छुट्टी मिला तो क्या करेंगे अंड बंड क्या गधा कहीं का सवाल फोकस करो किसी का ब्लड नहीं है स्क्रीन एकदम सही है बस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ चल बच्चा मैं करता हूं आंसर मैच करना मैं करता हूं देखो आंसर मैच करना बेटा तो देखो रे सॉल्यूशन में कहता है बेटा ये हमारा बॉडी ये बॉडी पे हमने ऐसे फोर्स लगाया बाकी सब फोर्सेस कैसे लगेंगे एम लगेगा यहां से नॉर्मल लगेगा और यहां से फ्रिक्शन लगेगा बेटा ठीक है अब बोलो यहां का जो फ्रिक्शन होगा बेटा वो कैसा फ्रिक्शन होगा स्टैटिक या काइनेटिक बोलो बच्चा बोलो स्टैटिक बेटा क्योंकि तुमने कहा था ना रोलिंग का मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट स्लाइड नहीं करता है बेटा जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट स्लाइड नहीं करता है तो स्लाइड नहीं करने के हालात में कौन सा लगेगा स्टैटिक है ना बेटा अब बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स Known force है या अनोन फोर्स है बोलो बच्चा है है, है है या बोलो बेटा। ना? ना? इसके बारे में पता नहीं होता, का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है बताओ हो? बोलो बोलो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू मूवेन ये ना होता है बेटा बोलो है ना बेटा लेस देन इक्वल टू मूवन होता है ना बोलो ये होता है बेटा फॉर्मूला है ना तो देखो इस फॉर्मूले में की फिक्स नहीं है ना? तो निकालना है, है ना बेटा इसका मतलब अगर हम पॉजिटिव आंसर आया इसका मतलब हमने सही डायरेक्शन चूज करी और अगर आंसर नेगेटिव आ गया इसका मतलब हमने गलत डायरेक्शन चूज कर ली बोलो बेटा बात समझ में आया ना इसका फायदा क्या है कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा इसका टेंशन मत लो कैसे भी लगा दो अपने आप आंसर आ जाएगा सॉल्व करके बात समझ आई बच्चा है ना फ्रिक्शन का टेंशन बिल्कुल मत लो किधर भी लगा दो अपने आप आ जाएगा आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव है ना ने बेटा लेकिन किधर भी का मतलब ये नहीं है बेटा कि वर्टिकल लगा दिए <laughs> किधर भी का मतलब ये नहीं कि वर्टिकल लगा दिए सबको पता है ना

और इसमें ऐसे आएगा बेटा एंगुलर एक्सलेशन बोलो ठीक है तो मैंने क्या कहा था तुमको कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को अलग अलग काम करना होता है बेटा इसमें है ना और रोलिंग के लिए क्या शर्त थी बोलो रोलिंग के लिए शर्त क्या थी जब सरफेस फिक्स्ड हो कंडीशन क्या थी बोलो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है ना बेटा इंस्टेंटेनियस रोलिंग इंस्टेंटेनियस रोलिंग के लिए बी इक्वल टू आर और मैंने क्या कहा था बच्चे याद करो कि अगर रोलिंग कंटिन्यूड रहेगा रोलिंग अगर कंटिन्यूड रहेगा तो इक्वल टू आर अल्फा है ना बच्चा रोलिंग अगर कंटिन्यूड रहेगा तो इज इक्वल टू आर अल्फा इक्वेशन नंबर वन ठीक है ना बच्चा? अब चलो ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें देख बच्चा ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो F- माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम एफ माइनस एफ एस इक्वल टू एम बेटा इक्वेशन नंबर टू अब चलो रोटेशनल में आओ तो बोलो बेटा मैंने क्या कहा था रोटेशनल के लिए जब टॉक लेने के लिए कहा था तो किसके अबाउट कहा था बोलो कहा था ना कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट करोगे तो सेफ रहोगे इसलिए सेंटर ऑफ मास का लिखो इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास अल्फा ये कितना हो गया बच्चा एफ इन टू आर अप्लाइड फोर्स का टॉर्क है ना बेटा फ्रिक्शन का टॉर्क तो एफ एस इन टू आर है ना बेटा ठीक है अब देखो बताओ बच्चा ये हमारा फोर्स जो है वो इसको कैसे घुमाना चाहता है ये इसको ऐसे घुमाना चाहता है ना बेटा और ये फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमाना चाहता है बेटा बोलो है ना नॉर्मल और एम जी बेकार तो दोनों के बताओ टॉर्क का डायरेक्शन सेम है बेटा की अपोजिट है दोनों के टॉर्क का डायरेक्शन सेम या अपोजिट सेम बिल्कुल सही बेटा तो क्या कर देंगे प्लस इज इक्वल टू आई हो गया टू बाई फाइव एम स्क्वायर अल्फा है ना बेटा अब सब में आर कैंसिल कर लो आर कैंसिल कर लो और लिख लो यहां पे कि यूजिंग इक्वेशन वन वन को यूज कर लो वन को यूज कर लो ए इक्वल टू आर एल्फा है ना बेटा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये f प्लस एफ एस इक्वल टू टू बाई फाइव एम ए इक्वेशन नंबर थ्री है ना बेटा अब टू और थ्री को ऐड कर लो टू अगर थ्री को ऐड कर लोगे बेटा तो क्या होगा एफ एस कैंसिल हो जाएगा बच्चा क्या आ जाएगा ये 2f equal to 7 by 5m है ना बेटा इसका मतलब a equal to कितना हो गया ये हो गया बच्चा 10 by 7f by m है ना बेटा 10 by 7f by m है ना बच्चा ठीक है अब देखो इसको मैं यूज कर लूँ बेटा इक्वेशन नंबर one two में तो फ्रिक्शन निकल जाएगा into पुट कर लो तो एफ कितना हो जाएगा बच्चा एफ एस हो जाएगा एफ माइनस एम ए एफ माइनस एम मतलब माइनस थ्री बाई सेवन एफ बोलो बच्चा आएगा है ना बेटा इसका मतलब नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है वो बताओ नेगेटिव मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा है बोलो आगे की तरफ तो बोलो बेटा फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इसको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है या अपोज कर रहा है बोलो बेटा हेल्प कर रहा है ना बोल है कि नहीं इसका मतलब सोचो अगर ये सरफेस स्मूथ होता अगर ये सरफेस स्मूथ होता है ना तो इसका कितना होता है एक्सेलेशन बेटा तो होता है एफ बाई एम है ना अब देखो बेटा रोलिंग में कितना फायदा है रोलिंग में कितना फायदा है देखो कि अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन और मदद कर रहा है देखो ना बच्चा अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक्सिलेशन होता तुम्हारा एफ बाई एम है ना अभी कितना हो गया देखो अभी तुम्हारा हो गया टेन एफ बाई सेवन ये तो एफ बाई एम से बड़ा हो गया है ना तो सोचो फ्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट है है ना हमें आगे बढ़ने में रोलिंग वाले केस में हेल्प करता है है ना हो गया okay, बेटा सेकेंड समझ so, में आ गया बेटा ठीक है अब चलो थर्ड की बात करें थर्ड की बात करें बेटा तो थर्ड में क्या कहोगे एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एन है ना बेटा एफ एस का कितना मैग्नीट्यूड थ्री बाई सेवन एफ लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी इसका मतलब म्यू मोर देन और इक्वल टू थ्री एफ बाई सेवन एम जी है ना बेटा मतलब ये स्लिप करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है कितना फोर्स लगा रहे हो है ना बेटा लिख लो ठीक है बच्चा पहले से डायरेक्शन प्रिडिक्ट मत करो है ना बेटा हर बार निकालो कैलकुलेट कर को फिर धीरे धीरे खुद ही इसका अभ्यास हो जाएगा और में आ जाएगा किधर लगेगा फ्रिक्शन है ना बेटा फटाफट पड़ लिखो इसको नेगेटिव साइन नहीं ने बेटा अब तो हम मैग्नीच्यूट बोलेंगे ना अब तो हम मैग्नीच्यूट बोलेंगे बच्चा ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा अभी और अभी दूंगा बेटा फटाफट नोट करो चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं देखो बेटा इरेज कर रहा हूं ऐसा ही एक और सवाल इसी तरह का एक और सवाल देखो कहता बेटा सवाल में कि एक इंक्लाइन प्लेन है इंक्लाइन प्लेन का बच्चा ये एंगल थीटा है है ना बेटा और ये जो इंक्लाइन प्लेन है बेटा ये भी हमारा इंक्लाइन प्लेन रफ है ये रफ इंक्लाइन प्लेन है बेटा ठीक है इसके ऊपर एक रख दिया बेटा बॉडी ऐसे रख दिया मैंने एक बॉडी ठीक है बच्चा है ना इस बॉडी का जो मास है बेटा वो एम है और इसका रेडियस आर है ठीक है बच्चा और क्या दिया हुआ है देखो और दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ गाइरेशन रेडियस ऑफ गाइरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू के याद है ना अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट रेडियस ऑफ ग्रेजुएसन के बेटा है, है ना तो बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ क्या होगा बोलो बेटा बोलो तो बोलो बोलो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्सिया क्या होगा फिर क्या होगा बोलो जल्दी बोलो बिल्कुल सही वेरी गुड एम के स्क्वायर है ना बेटा सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ एनर्सिया एमके स्क्वायर ठीक है और वही सवाल फिर से है कि सेंटर ऑफ मास का निकालो फ्रिक्शनल फोर्स निकालो मिनिमम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो सरफेस की रफनेस काफी है बेटा रोलिंग के लिए है ना बेटा और इस बॉडी को रेस्ट से छोड़ दिया रिलीज फ्रॉम रेस्ट बनाओ बनाओ बच्चा ये कौन सा भाषा लिखा है गौरव तो रेगुलर क्लास कब चालू होंगे अभी देखो तो यार राजस्थान गवर्नमेंट तो फिर बंद कर दी तक तक बंद कर दी। number तक बंद कर कर दी, दिया तब उसके बाद ही उम्मीद कर सकते हो ना? हाँ बेटा छुट्टी मिलेगी छुट्टी मिलेगी बहुत कम दिनों की छुट्टी मिलेगी टेंशन लो, रिवाइज करने का टाइम मिलेगा आयुष फालतू सवाल किया तो बाहर निकाल दूंगा शांति से पढ़ो कुछ मत सोचो होम टाउन मत जाओ यहीं बैठ के पढ़ाई करो हाँ डिस्कस करेंगे बच्चा आज और अब कोई फालतू बात नहीं करेगा सिर्फ पढ़ाई की बात करेगा जो क्लास में चल रहा है उसी की बात करेगा रेस्ट से छोड़ दिए इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट से छोड़ दिए बस इतना ही इंफॉर्मेशन है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं कुछ सोचो अब ये बॉडी या तो रिंग हो सकता है या डिस्क हो सकता है या स्फेयर हो सकता है या सिलेंडर हो सकता है इन चारों में से कोई है बच्चा जितना क्वेश्चन में लिखा है बेटा बस उतना ही इंफॉर्मेशन है और कुछ मत सोचो इतने ही इंफॉर्मेशन में सॉल्व करना है क्वेश्चन हर्षित ठीक से बनाओ बच्चा मुकेश बिल्कुल सही बेटा बहुत अच्छी बात है मुकेश गुड नहीं सार्थक जीरो नहीं आएगा अल्फा गुड छुट्टी में पूरा बैकलॉग खत्म कर लेना योड़ा से स्टार्ट के रुक जाओ पहले हमारा आरबीडी खत्म हो जाए तो स्टार्ट करना मतलब तो मानो कि अभी आरबीडी में लगेगा पांच छह क्लास लगेगा बेटा कम से कम और मुकेश तुम्हारा ठीक है मैं समझ गया था भाविक का भी सही है सेफ की जरूरत नहीं बेटा क्योंकि मोमेंट ऑफ एनोस दे दिया ना हमको तो सेब की जरूरत नहीं चलो मैं करता हूं बेटा देखो अब तो देखो बेटा अगर इसको हम लोग रेस से छोड़े हैं है ना तो इस बॉडी का बेटा एबीडी बनाओ इस बॉडी का बच्चा एबीडी बनाओ तो क्या बोलोगे यू लगेगा बेटा एम है ना और यू हमारा बेटा सरफेस इंक्लाइन है तो यहां से लगेगा बेटा ऐसे नॉर्मल है ना और यहां से लगेगा ऐसा फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन स्टैटिक रोलिंग है ना स्लाइड नहीं किया ठीक है अब देखो बेटा एम को रिजोल्व करो एम को बेटा रिजोल्व करोगे तो एम का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा बेटा ऐसे आएगा ना एम जी साइन थीटा, और इधर हो जाएगा बच्चा एम जी कॉस्टिटा है ना अब सोचो बेटा ऊपर से अगर छोड़ोगे ऊपर से अगर छोड़ोगे बेटा तो इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास में इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास में ऐसे होगा ए है ना और ऐसे घूमेगा एंगुलर एक्सीन अल्फा बोल बच्चा इसमें एंगुलर एक्सिलेशन अल्फा और लीनियर एक्सिलेशन ए बच्चा अब इसके रोलिंग का कंडीशन बताइए तुमको ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है ना बेटा बोलो ठीक है अब इसके ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन लिखो अब इसके ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन लिखो बेटा है ना तो ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन क्या लिखोगे लिखोगे बच्चा एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए इक्वेशन नंबर टू है ना बेटा अब इसके रोटेशनल मोशन का इक्वेशन लिखो तो देख बेटा रोटेशनल मोशन के इक्वेशन के लिए क्या लिखोगे है ना बेटा तो देखो बेटा तो एम जी थीटा और एम जी थीटा दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा बचेगा किसका टॉर्क ओनली फ्रिक्शन इवन नॉर्मल का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा एफ एस इन टू आर बराबर एम के स्क्वायर अब इसको इस्तेमाल कर लो तो हो जाएगा बच्चा ए बाई आर बोलो होगा ना अल्फा बराबर ए बाई आर अब आर को नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा बच्चा एफ एस बराबर एम ए एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए इक्वेशन नंबर थ्री अब इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री को ऐड कर लो दो नंबर तीन नंबर ऐड कर लो तो एफ एस कैंसिल हो जाएगा बच्चा है ना इससे निकल जाएगा तुम्हारा ए ए कितना निकल जाएगा जी साइन अपॉन वन प्लस ठीक है बच्चा समझे बेटा ये तुम्हारा आ गया एक फॉर्मूला के जैसा है ना तुम इसको याद कर लोगे ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है बच्चा ये फार्मूला याद करने के लायक है, है ना अब देखो सेकेंड पार्ट में निकालना है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स इसको पुट कर लो इक्वेशन नंबर थ्री में इसको अगर थ्री में पुट कर लेते हो बेटा थ्री में पुट कर लेते हो तो क्या कहोगे कहोगे बेटा इसको पुट कर दिया तो इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा एम जी साइन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बोलो बेटा ठीक है ना ठीक है ये तुम्हारा आ गया फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ठीक है है ना बच्चा अब कहोगे रोलिंग के लिए रोलिंग के लिए फ्रिक्शन स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहेगा टू देन इन टू एन है ना ये निकाल चुके हो और ये हो जाएगा बेटा म्यू एम जी थीटा है ना इसका मतलब म्यू क्या आएगा बच्चा मोर देन और इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चा टेन थीटा इन टू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ठीक है बच्चा ठीक है ये सारी वैल्यू तुम्हें याद करनी है बेटा बेटा सेंटर ऑफ मास में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है ना तो अगर सेंटर ऑफ मास पे एक्सिस लेंगे तो नॉर्मल का भी टॉक जीरो हो जाएगा बच्चा और एमजी का भी टॉक जीरो हो जाएगा बोलो नॉर्मल और एमजी सेंटर ऑफ मास से ही पास किया ना इसलिए टॉक जीरो हो गया बेटा सेंटर ऑफ मास के बोर्ड फ्रिक्शन का ही टॉक बनेगा नोट कर ले ये फॉर्मूला याद करना है बच्चा बहुत जगह काम आएगा लिख दे रहा हूं टू रिमेम्बर है ना इसको याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा लेकिन इसको याद करना है टू रिमेंबर याद करना है इसको इरेज कर दू बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन को इरेज कर दू क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं ओनली क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ चलो करो इसी कॉन्सेप्ट से इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित सवाल है बेटा इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित सवाल है है ना एक क्वेश्चन मुझे और ऐड करना है चलो इसको इरेज कर दे रहा हूं एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे बेटा हम ठीक हाँ है हां बच्चा थोड़ा ब्लड है स्क्रीन अभी ठीक हो जाएगा एक मिनट वेट कर लो गुड गुड हर्षद हल्का फील कर रहे हो बहुत अच्छी बात है सही हो गया स्क्रीन परफेक्ट हो गया स्क्रीन सुहानी बोल बच्चा सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने फ्रिक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में लिया था तो मेरा सारे आंसर में प्लस की जगह माइनस आया कोई दिक्कत नहीं वैल्यू से माइनस मैग्नीट्यूड यस सर हाँ कोई दिक्कत नहीं सही है तुम्हारा भी सही है ओके okay, सर बेटा रेडियस का सेम होना जरूरी नहीं है बेटा रेडियस अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है मास अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है ऐसे ही वह पाल रखा था बाकी उन्हें आरबीडीजी है गुड तुम्हें आरबीडीजी लग रहा है इसका मतलब मैं अपने काम में सफल हो गया और तुम्हारी मेहनत रंग लाई पहले वाली देखो आयुष लिख रहा है आरबीडी हमारे पैसे वसूल <laughs> एक और बच्चा लिख रहा है आरबीडी अपने अपने प्रिडिक्शन है बच्चा कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं टफ है तभी तो मजा आ रहा है करने में डिफिकल्ट चीज सीखने में तो मजा आता है चल चल बंद कर बंद कर चैट बंद कर चैटिंग बिल्कुल बंद कुछ पे दिमाग लगाओ सबका सेम मास भी हो सकता है अलग मास भी हो सकता है कुछ भी दिया हुआ नहीं है। हाँ गौरव हैप्पी नवरात्रि लेकिन चैट बिल्कुल बंद करो पढ़ाई में दिमाग लगाओ फोकस करोगे इस चैप्टर में तभी सीख पाओगे बच्चा सबको ट्राई करो सब लोग ट्राई करो स्लाइड और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लेते हैं जब स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक लेंगे बच्चा जब स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन लेंगे काइनेटिक स्लाइड नहीं करेगा तो फ्रिक्शन लेंगे स्टैटिक पहला पूछा है कि सबसे आखिरी में कौन पहुंचेगा दूसरा पूछता है कि ग्राउंड पे पहुंचने में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी तीसरा पूछता है कि पे पहुंचने पे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी चौथा पूछता है विच ऑफ द बॉडी इज मोस्ट लाइकली टू स्लिप इनमें से चारों में जल्दी फिसलना कौन चाहता है किसमें फिसलने के चांस ज्यादा है फिसलेगा तो कोई नहीं बनाती जाओ बनाती जाओ बनाते जाओ बनाती जाओ बच्चा हाँ K by R के बाई आर के रेशियो से कंपेयर करो ठीक सोचे हो तुम चलो मैं कर रहा हूं आंसर मैच करना देखो बेटा ओ, देखो बेटा सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखा मैंने बेटा रिंग फिर लिखा डिस्क फिर लिखा हॉलो स्फेयर फिर लिखा सॉलिड स्फेयर ठीक है सब के मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फॉर्मूला तो देखो बेटा आई की वैल्यू इसके लिए एम आर स्क्वायर इसके लिए एम आर स्क्वायर बाई टू हमें क्या चाहिए आईसीएम चाहिए ना ये हो गया बेटा टू बाई थ्री स्क्वायर है ना बेटा और ये हो जाएगा टू बाई फाइव एम आर है ना बेटा अब मैं कहूं बाई आर स्क्वायर के लिए हो जाएगा वन इसके लिए वन बाई टू इसके लिए टू बाई थ्री और इसके लिए टू बाई फाइव है ना बेटा है ना डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो ये हो गया हमारा जीरो पॉइंट फाइव हो गया जीरोस सेवन ये हो गया जीरो पॉइंट फाइव ठीक है बेटा है ना अब देखो फर्स्ट वाले करने के लिए फास्ट वाला करने के लिए मैंने कहा देखो ए की वैल्यू क्या थी बच्चा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है ना बेटा ठीक है तो देखो बच्चा जिसका हमारा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मिनिमम होगा है ना बेटा उसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा बोल बेटा राइट right ना ठीक है और उसका टाइम सबसे कम लगेगा बेटा बोलो बोलो जिसका सबसे ज्यादा होगा बेटा एक्सीलरेशन वो सबसे पहले पहुंचेगा बोलो है कि नहीं अब इसका उल्टा सोचो जिसका के स्क्वायर भाई आर स्क्वायर मैक्सिमम होगा बेटा है ना उसका एक्सिलेशन मिनिमम होगा बोलो बेटा और जिसका एक्सेलेरेशन मिनिमम होगा बेटा उसका टाइम भी मिनिमम लगेगा बोलो बेटा है ना तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ बोलो मैक्सिमम किसके लिए है रिंग के लिए है ना बेटा तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आंसर इज रिंग फर्स्ट का आंसर हो गया बच्चा रिंग अब चलो बी में बी में कहेंगे बेटा किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी है ना बेटा तो देखो जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जिसका एक्सेलरेशन जिसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा बेटा उसी की नई स्पीड मैक्सिमम होगी बोलो बोलो है ना बेटा जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है बेटा उसी का स्पीड सबसे ज्यादा होगा ना क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू है ना बच्चा तो देखो क्या कहोगे कि एक्सेलरेशन को मैक्सिमम होने के लिए स्क्वायर भाई आर स्क्वायर कम से कम होना चाहिए तो कम से कम कौन है बताओ कम से कम कौन है कम से कम कौन है बेटा तो कहोगे सॉलिड स्पेयर बोलो बेटा सॉलिड का सबसे कम है ना बेटा अब चलो सी में सी में कहता है बेटा कि विच ऑफ द बॉडी विल हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड है ना बेटा तो देखो शायद तुम लोग के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा सुनना ध्यान से सुनना ध्यान से बेटा तो कहेंगे सी वाले में शायद यह दिमाग में आ रहा होगा कि जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है उसी की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी ऐसा तुम्हें लगता होगा है ना लेकिन सोचो ये बॉडी कैसे घूम रहा है आगे भी जा रहा है और घूम भी तो रहा है बेटा मतलब इसमें ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है, है ना बेटा रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें नहीं पता रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको नहीं पता इसका मतलब उस तरीके से तुम नहीं निकाल सकते है ना तो कैसे करोगे कैलकुलेट तो कहेंगे लगा देंगे वर्क इनर्जी थ्योरम बोल बेटा राइट ना ठीक है तो क्या कहोगे बच्चा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलो बच्चा राइट ना तो देखना बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन क्या हो जाएगा एम जी एच एच नीचे आया तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एम जी एच स्टेटिक फ्रिक्स का वर्डन जीरो. जीरो और ये फाइनल का एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी बोल बच्चा इसका मतलब फाइनल का एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच बोल बेटा तो जी और एच सेम ने बेटा इसका मतलब क्या हुआ प्रोपोर्शनल टू मास तो क्वेश्चन में लिखा है बच्चा कि सेम मास है नहीं लिखा ना बच्चा मतलब जिसका मास सबसे ज्यादा होगा बेटा वही सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होगा मास तो दिया नहीं है ना तो इसका फैसला हम नहीं कर सकते नो इन्फॉर्मेशन क्लियर बेटा ठीक है अब आओ चौथे में चौथा वाला सुनना बेटा ध्यान से चौथे वाले के लिए सुनना ध्यान से है ना बेटा मेरी बातों को गौर से सुनना बच्चा बोलो तो हर बॉडी को रोलिंग करने के लिए एक खास को क्या कहा था कि म्यू मोर देन इक्वल टू ये था बच्चा थीटा इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है ना बेटा अब क्या करो कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा टेन थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा बच्चा आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस वन बोलो बच्चा होगा बोलो बेटा ठीक है? है ना ठीक अब सुनना ध्यान से ध्यान सुना बेटा कि अभी मेरा मिनिमम कोफिसियंट ऑफ फ्रिक्शन किसी बॉडी के लिए कितना आ गया टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई बोलो है ना ठीक अब सोचो बेटा कि इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में सरफेस जो है बेटा वो रफ है, है ना? हमको पता नहीं है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन का हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है बस इतना पता है कि कोई स्लाइड नहीं करेगा है ना बेटा लेकिन सोचो बेटा जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू है वो तो एक लिमिटेड वैल्यू होगी ना बेटा ऑफ़ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी नहीं पता लेकिन जो कुछ भी होगा बेटा वो लिमिटिंग होगा इसका मतलब लिमिटेड है बोलो बेटा है कि नहीं है ना तो देख बेटा कोई भी चीज अगर लिमिटेड हो है ना तो जिसकी डिमांड सबसे कम होगी वही सबसे सेफ से होगा बोलो बेटा बात समझा ना डिमांड कम है तो वह सेफ है डिमांड ज्यादा है तो वह सेफ नहीं है बोलो बेटा है ना जैसे कि हर किसी के लिए क्या है बच्चा लिमिटेड पैसा है, सभी के पास पैसा है।, है ना तो इस कोरोना के काल में बहुत लोगों की जॉब गई बेटा है ना सोचो जिसकी नीड सबसे कम होगी जिसका एक्सपेंस सबसे कम होगा जिसका खर्च सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा सेफ रहेगा बोलो है कि नहीं बात समझ में आया ना बेटा ठीक है बिल्कुल वैसे ही सोचो ठीक है बेटा तो देखो यहां पे, इतने की है। जिसको सबसे कम चाहिए वो सबसे ज्यादा सेफ बेटा है और जिसको कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा चाहिए बेटा वो सबसे ज्यादा है।, है ना तो हमें बताना है इसमें कि कौन सबसे ज्यादा है? है ना मोस्ट लाइकली टू स्लिप ठीक है बच्चा देखो तो क्या सोचोगे तुम कि देखो बेटा सबसे ज्यादा अनसेफ वही होगा जिसके लिए म्यू मिनिमम म्यू मिनिमम की वैल्यू मैक्सिमम होगी बोलो बेटा मिनिमम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो उसको चाहिए वो सबसे अधिक हो है ना तो देखो बेटा जिसका ये सबसे अधिक होगा बेटा उसका r स्क्वायर बाई k स्क्वायर सबसे अधिक होगा बेटा बोलो है ना इसका मतलब सॉरी मिनिमम होगा ये मिनिमम होगा बेटा इसका मतलब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मैक्सिमम होगा बोलो बेटा राइट right ना ठीक है तो क्या कहेंगे बेटा हम लोग बोलो कौन चांस है सबसे ज्यादा फिसलने के चांस किसकी है बेटा बोलो रिंग के है ना बेटा बोलो है ना बेटा क्या सीखा हमने इसे कि अगर इन लाइन पे रिंग रोलिंग कर जाए तो बाकी सारे बॉडी रोल करेंगे बोलो बेटा है ना ठीक है रिंग अगर रोल कर गया इसका मतलब सभी रोल करेंगे है ना क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा थी ठीक है बेटा है ना उसी तरह से मैं कहूं अगर इस फेयर स्लिप कर जाए इस फेयर के स्लिप करने के चांस सबसे कम है ना बेटा इसके स्लिप करने के चांस सबसे कम है ना अगर यह स्लिप कर गया तो फिर कोई भी रोल नहीं कर सकता हर कोई स्लिप करेगा ठीक है बच्चा समझा ना? फटाफट लिख -पड़ ले इसको फटाफट -पड़ नोट कर रिंग बोलो बेटा हेलो हा नयन बोलो सर अगर एक्सेलरेशन मिनिमम है तो टाइम सर मैक्सिमम होगा ना हाँ बच्चा बिल्कुल सही बात सर बोर्ड पे ओ, तो आपने टाइम मैंने क्या आ, सर। रे रे रे। हाँ सर हाँ ये गलत लिख दिया मैंने लेकिन आंसर सही लिखा हाँ सर टाइम <laughs> मैक्सिमम ओवरिंग होगा सही बात ओके सर ये था हर्ष बोलो बच्चा हर्ष सर लास सर लास्ट वाला पॉइंट में कंफ्यूजन है क्या पूछो बेटा सर फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तो हाँ स्लिप नहीं कर सर स्लिप नहीं करना चाहिए ना एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहाँ फ्रिक्शन है नहीं बच्चा मैंने जो म्यू लिखा है वो रिक्वायरमेंट है क्या लिखा था म्यू मोर देन इक्वल टू इक्वल टू है और उतनी उसकी रिक्वायरमेंट है समझे बच्चा म्यू yes क्या है रिक्वायरमेंट किसके लिए रोलिंग के लिए, के लिए? तो जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे कम होगी बेटा है ना वो तो सबसे ज्यादा सेफ होगा ना बेटा बोलो सर क्लियर नहीं हो पा रहा नहीं समझ में आया नहीं समझ में चलो मान लेते हैं चलो देखो बेटा अगर मान लेते हैं हम कि कोफिसंट ऑफ फ्रिक्शन इस क्वेश्चन में दिया है जीरो पॉइंट फाइव मान लेते हैं ठीक है बच्चा तो अब बताओ अगर किसी बॉडी का ऑफ़ फ्रिक्शन इसमें सॉल्व करके आया इसका मतलब वो स्लाइड किया या नहीं किया के लिए गे दिया हुआ इतना values, है ना बेटा है, है लेकिन एक बॉडी के लिए मैंने ये सॉल्व किया वैल्यू है जीरो पॉइंट टू इसका मतलब स्लाइड हुआ या नहीं 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 सर, हुआ बेटा और नहीं। किसी की अगर पॉइंट फोर तो नहीं होगा का नहीं हुआ लेकिन बताओ इन दोनों में ज्यादा स्लिप कौन करने के चांसेस है जीरो पॉइंट फोर के so, अब समझ में yes, जिसके sir. लिए म्यू मिनिमम की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी उसके फिसलने के चांस ज्यादा होंगे ठीक yes, हाँ है गोपाल तो सर ये यहाँ पे डी पार्ट में रिंग ही क्यों आया मुझे समझ नहीं बच्चा बी में तो रिंग कहां आया मैं तो स्फीयर आया डी पार्ट डी पार्ट में देखो बच्चा क्योंकि के स्क्वायर भाई आर स्क्वायर रिंग के लिए मैक्सिमम है देखो वन है ना अच्छा ये सही से ओके क्लियर थैंक यू सर ओके, ओके बच्चा रिस्कम

सर सर इनमें से कोई स्लिप तो नहीं ना करेगा नहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ तो स्लिप कोई नहीं करेगा सर इसीलिए आप मोस्ट लाइकली लिखे हैं क्या हाँ तभी तो लिखा है मोस्ट लाइकली तभी लिखा है मोस्ट लाइकली देखो बेटा ये सवाल तुमको मैंने कराया था चलो चेंज कर दिया छोड़ो चेंज कर दिया चेंज कर दिया देखो बच्चा ये एक स्पेयर है ये एक स्पेयर है बेटा चलो सिलेंडर मान लेते हैं बहुत स्पेयर हो गया सिलेंडर बुरा मान जाओ कि मुझे यूज ही नहीं कर रहा तो पढ़ाई क्यों था है ना तो सिलेंडर बेटा इस सिलेंडर पे रस्सी लपेट दी बेटा इस सिलेंडर पे ऐसे रस्सी लपेट दी है न? इसको आगे ले गया यहां से और यहां से एक लगा दिया बेटा पुली लेकिन जो पुली है बेटा ये एकदम लाइट पुली है हल्का पुली है बेटा ठीक है यहां से ऐसे आया बेटा है ना और यहां से हमने एक लगा दिया ब्लॉक इस पे लगा दिया एक भारी ब्लॉक ठीक है ये ब्लॉक का जो मास है बेटा ये एम है और इस फेयर का मास जो बेटा ये भी एम है है ना ये रेडियस आर है ठीक है बच्चा है ये हमारा स्मूथ है बेटा इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है और ये एंगल 37 डिग्री है ठीक है बच्चा इंक्लाइन के नीचे का सरफेस जो है बेटा ये रफ है ये है ना ये रफ सरफेस है ठीक है और क्वेश्चन में कहता है बेटा कि होरिजोनटल सरफेस होरिजोनटल सरफेस इज रफ इनफ फॉर रोलिंग रोलिंग के लिए यह काफी रफ है ठीक है तो कहता है फाइंड एक्सीलेशन ऑफ एक्सीन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ इस फेयर ठीक है तो सॉल्व करने से पहले मुझे बताओ एक बात कि इसके सेंटर का एक्सिलेशन है ना और इसके इस पॉइंट का एक्सिलेशन सेम की डिफरेंट बोले बच्चा डिफरेंट क्योंकि वो घूमता हुआ जाएगा आगे ये घूमता हुआ जाएगा तो इन दोनों का डिफरेंट होगा है ना अच्छा अब बताओ इस का इसका और इसका और दोनों क्रॉस का एक्सीन सेम बिल्कुल सही बेटा दोनों क्रॉस का सेम और दोनों डॉट का डिफरेंट चलो खुद से बनाओ अब अब तुम कर लोगे अब मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर लोगे स्ट्रिंग लाइट पुली है दोनों तरफ से टेंशन सेम लेना फटाफट फट करो फटाफट फट करो बिल्कुल कर लोगे तुम पूरे विश्वास के साथ करो पूरे भरोसे के साथ विश्वास के साथ करो तुम कर लोगे चलो सिलेंडर है बच्चे, सॉलिड सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर का और डिस्क का फार्मूला सेम ही ना होता है हाँ बिल्कुल सही कहा गौतम बिल्कुल सही Oh, स्पेयर लिखा है क्या सॉरी 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 सिलेंडर ये बच्चा मेरी गलती है इट्स माय मिस्टेक बेटा ये सिलेंडर है हाँ फ्रिक्शन की ही मान लो बिल्कुल सही है हर्ष फ्रिक्शन की ही मान लो अपने यहाँ पर जाकर आंसर हर्षद बनाया है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्यों बच्चा मयंक बोलो आवाज नहीं आ रही बेटा मयंक और आयुष के पास तो माइकी नहीं है लेकिन फिर भी हैंड की रेज कर रखा है हाँ डिवाइस तो करना पड़ेगा बेटा तभी नहीं याद रखोगे तो भूल जाओगे बार बार, <ज़ागी> बार स्लाइडिंग मतलब बेटा जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में है है ना बच्चा वो पॉइंट फिसल रहा है तो फ्रिक्शन वाला के काइनेटिक है ना और स्लाइड नहीं कर रहा है बच्चा तो रोलिंग है ठीक है सिलेंडर का मोमेंट ऑफ एनर्जिया सिलेंडर का मोमेंट ऑफ एनर्जिया बच्चा एमआर स्क्वायर बाई टू आंसर तो मुझे भी नहीं पता बेटा यथार्थ बोलो चल देखो बच्चा तो बता रहे खुद ही नहीं पता आंसर क्या आएगा है ना तो देख बेटा सबसे पहले तो मैं काम करूंगा बेटा कि ये टी और ये टेंशन सी सेम बोलूंगा क्योंकि लाइट पुली है दूसरा काम मैं ये करूंगा बेटा कि इसका मैं इसका इसे बोलूंगा और इसके सेंटर का एक्सीन बी बोलूंगा अलग अलग बोलूंगा बेटा एक्सिलेशन ठीक है और इसके रोटेशन का एंगुलर एक्सिलेशन अल्फा हो गया बच्चा स्क्रीन। साफ हो अभी, जाओ। अभी काम चलाओ वैसे है वैसे काम चलाओ है देखो बच्चा <coughs> तो देखो बेटा इसके इस वाले पॉइंट का एक्सिलेशन ए एक हो गया बेटा है ना अब देख बच्चा इस वाले पॉइंट का एक्सिलेशन इस वाले पॉइंट का देखना ध्यान से ट्रांसलेशनल की वजह से बी ट्रांसलेशनल की वजह से हो गया बच्चा बी और ऐसे घूमने की वजह से ये हो गया बच्चा आर अल्फा बोलो रोटेशन की वजह से आर अल्फा और ट्रांसलेशनल की वजह से ए दोनों ऐड हो गया दोनों ऐड हो गया तो, अच्छा उसका बी कर लू अच्छा इसको दिक्कत हो रही है चलो इसको ए कर लेते हैं है ना बेटा और इसको बी कर लेते हैं ठीक है बच्चा तो क्या हो जाएगा ए? बोलो बोलो ए प्लस आर अल्फा इज इक्वल टू बी इक्वेशन नंबर वन है ना बेटा ठीक है अब चलो ब्लॉक के लिए बेटा नीचे खींचने वाला फोर्स कौन सा है नीचे खींचने वाला फोर्स है बच्चा एम जी साइन थर्टी सेवन बोलो ऊपर की तरफ t बराबर एम इन टू बी इक्वेशन नंबर टू है ना बेटा अब चलो इस ब्लॉक के लिए इस सिलेंडर के लिए सिलेंडर का देख बेटा सिलेंडर का एफबीडी बनाएगा तो आगे बोलेगा टेंशन और पीछे बोलेगा बेटा फ्रिक्शन स्टैटिक है ना जो भी होगा बेटा वो अपने आप हो जाएगा सॉल्व करके है ना तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या इक्वेशन तो टी माइनस एफएस इक्वल टू एम इनटू ए है ना बेटा नंबर थ्री टॉक के लिए टॉक दोनों का सेम डायरेक्शन हो जाएगा बेटा

एंड ए इक्वल टू आर एल्फा है ना बेटा इसलिए क्या आ गया इसलिए आ गया बेटा बी इक्वल टू टू ए बोलो बी इक्वल टू टू ए बोलो बेटा है ना ठीक है तो अब देख बच्चा यहां से आर कट गया आर कट गया तो टी प्लस एफ एस बराबर ये हो गया बेटा एम इंटू बी एम इंटू एम इंटू ए बाई टू बोलो बेटा होगा होगा बच्चा आर अल्फाइन इक्वल टू आर अल्फाइन इक्वल टू आर इंटू अल्फाइन टू ए हो जाएगा बेटा देखो ठीक है ना तो अब क्या करो पहले तुम कि दो नंबर और तीन नंबर को ऐड करो पहले तुम दो नंबर तीन नंबर ऐड करो तो देखो एफ एस कट जाएगा एफ एस कट जाएगा बेटा तो टू टी इक्वल टू हो जाएगा एम थ्री एम ए बाई टू है ना बेटा तो टेंशन हो जाएगा बच्चा थ्री बाई फोर एम ए है ना अब इसको पुट कर लो इन इक्वेशन नंबर वन इन इक्वेशन नंबर वन क्या हो जाएगा बेटा एम जी साइन थर्टी सेवन माइनस थ्री बाई फोर एम ए इज इक्वल टू एम इन टू बी और बी बराबर कितना बच्चा देखो बी बराबर टू ए तो बी बराबर टू ए तो कितना हो जाएगा टू एम में इसका मतलब हो गया बेटा एम जी साइन थर्टी सेवन इज इक्वल टू येगा बच्चा टू प्लस थ्री बाई फोर इलेवन बाई फोर है ना ए ए कट गया तो ए कितना बच्चा थ्री जी बाई फाइव इंटू फोर बाई इलेवन इसका मतलब ट्वेल्व जी बाई फिफ्टी फाइव ठीक है बच्चा ट्वेल्व जी अपॉन फिफ्टी फाइव ठीक है हाँ नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता कोई दिक्कत नहीं यथार्थ बोलो कितने लोग का सही आया हर सही आया हर्षवर्धन नहीं आया सही चलो कोई बात नहीं बहुत लोग का सही आया गुड इतने बच्चों का सही आया और क्या चाहिए मुझे गुड बहुत अच्छा बेटा यथार्थ तुम बोलो यथार्थ आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बेटा हर्ष हेलो हाँ बोलो हेलो सर हाँ आ रही आवाज हेलो हेलो सर हेलो हाँ हाँ बोलो sir, सर आपने सर लास्ट क्लास में सर एक वेलोसिटी का सर हाँ. डेरिवेशन किया था सर जनरल पॉइंट हाँ हाँ हा। कौन डाउट है सर मैं वीडियो ऑन करता हूं सर आप बता दोगे क्या ही कैसे आया था तुम क्लास नहीं किया था क्या तो किए थे दिखाओ सर तर... सर ये और ये आर ओमेगा किधर आया कैसे क्यों आया था तो वीडियो क्लियर नहीं है क्या ना शैडो आ रहा है तुम्हारा ही शैडो आ रहा है

हाँ ये बोलो सर मैं पूछ रहा था सर ये फिजिक्स का सर हमारा कोचिंग मटेरियल सर जे एडवांस के लिए ना फिर हाँ जी मेन एडवांस दोनों के लिए है वो सर है, मेरे सीनियर्स कुछ बोलते हैं कि मतलब कोचिंग मटेरियल से मतलब होता है लेकिन कुछ और करो तो ज्यादा अच्छा है जो बोलते हैं गलत बोलते हैं बच्चा सर लेकिन वो खुद आए नहीं है अब वो गलत कैसे बोलेगा ये क्या मतलब हुआ भाई ये क्या मतलब हुआ बताओ बता अच्छा, बता बता तो, तो, तो ऐसा बोल सकता है क्या रिक्शा वाला को रिक्शा के बारे में सब पता होता है बोल सकता है क्या हाँ, सर सही बात है तो पता हो नहीं गलत सोचते हो तुम रिक्शा सिर्फ चलाना आता है उसको रिक्शे की रिपेयरिंग नहीं आएगी उसको अच्छा, है ना तो वैसे ही वो आई टी बन गया बेटा वो अच्छी बात है हाँ सर बात बात को हर हाँ। किसी की बेटा सक्सेस स्टोरी दुनिया में अलग अलग होती है, हाँ हाँ। हो की नहीं। ये है ना? लेकिन की स्टोरी कुछ तो उसके एडवांस है मिल चुकी है है ना अगर सीट तुम्हें हंड्रेड कॉन्फिडेंस है इतना की मुझे इस सीट में कोई कहीं से पूछेगा बना लूंगा मैं अगर इस स्टेज तक तुम आ जाओ है ना देन यू नीड डिफेंट बुक्स अगर नहीं आते हो उस चीज़ तक बेटा तो बुक सीरीज नहीं है तुम्हें चलो बच्चा राघव बोल राघव बोलो चलो बच्चा अब डिस्कस करेंगे कोई मुझे याद दिलाओ क्या दिया था मैंने होमवर्क सेक्शन e ई दिया था मैंने e और एफ दिया था सेक्शन ई और एफ चलो निकाला जाए बच्चों सीट निकाली जाए सीट निकाली जाए।, जाए बच्चा आरबीडी की सीट कहाँ गई ढूंढनी होगी आरबीडी की सीट आरबीडी कहा गया यार मिल गया आरबीडी का सीट मिल गया आरबीडी की सीट मिल गया <coughs> ये मैं आ गया तुम्हारे सामने ये तो गिर रहा है मोबाइल बार बार चलो ठीक है अब मैं स्क्रीन करो शेयर स्क्रीन शेयर किया जाए हम एक कर दिया मैंने स्क्रीन शेयर हम्म कोई बात नहीं बेटा सिर्फ ई करेंगे कोई दिक्कत नहीं चलो तुम लोग ई बनाए हो तो ई करेंगे डिस्कस ये आगे आरबीडी की सीट चलो बच्चों सेक्शन ई e दिया था मैंने सही बोला देखो निशान लिखा हुआ है इसमें सेक्शन ई e दिया था चलो सेक्शन ई e करेंगे डिस्कस बेटा सेक्शन ई में ई पूछना है हर्ष गुप्ता को अच्छा पार्ट वन में आना पहले पहले पार्ट वन में आते हैं बेटा पार्ट वन में सेक्शन ई e आया जाए एक मिनट जब एक मैसेज करना है किसी को अर्जेंट याद आ गया मुझे एक काम एक मिनट बचा एक मिनट ठीक है देखो देखो बच्चा आया जाए क्वेश्चन नंबर ई में सेक्शन ई e में आया जाए क्वेश्चन नंबर ईवन पूछा है किसी ने देखो बच्चा ईवन में ईवन कहता है बेटा एक रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास एक रॉड है बेटा इस रॉड में कोई मास नहीं है इस रॉड में किसी तरह का कोई मास नहीं है बच्चा ठीक है है ना और कहता है बेटा कि लेंथ दो मीटर है बेटा प्रोवाइडेड एट इट्स मा सिक्स केजी थ्री के जी है ना बेटा तो पहला पूछा गया फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सलेसन ऑफ रॉड फर्स्ट पार्ट हो गया ना रे दोनों पार्ट पूछना है क्या बोलो चलो मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करता हूं बेटा बी पार्ट में सॉल्व करता हूं ठीक है बी वाले पार्ट में मैं रॉड का मास सॉल्व करता हूँ तुम क्या करना बेटा एम इक्वल टू जीरो बना तो हूँ तो तो देख देखो बेटा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा यहाँ सिक्स जी है ना बेटा और यहाँ लगेगा थ्री जी है ना बेटा और रॉड ऐसे घूमेगा अल्फा से बोलो ठीक है तो देखो बेटा रॉड जब ऐसे घूमेगा तो ये वाला ये वाला वाला पॉइंट पॉइंट रॉड का में इधर की तरफ होगा ना बेटा अल्फा एल टू? बोलो होगा ना बच्चा अल्फा एल बाई टू होगा और इस तरफ का बच्चा ऊपर हो जाएगा एक्सिलेशन अल्फाइल बाई टू बोलो ठीक है होगा अब देखो बच्चा रॉड के इस तरफ मैंने मान लिया टेंशन टी वन और इस तरफ मैंने मान लिया टेंशन टी टू है ना तो देखो बेटा थ्री के जी ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे लिखोगे बेटा की टी वन माइनस थ्री जी इक्वल टू थ्री इंटू अल्फाइल नंबर वन है ना बच्चा सिक्स के जी का देखो बच्चा कहोगे सिक्स जी माइनस टी टू इक्वल टू सिक्स इंटू अल्फा एल बाई टू क्या किया है? मैंने सिंपल रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलेशन है ना बच्चा अब रॉड का देख बच्चा रॉड की तुम बात करेगा तो रॉड के लिए बोलेगा इस तरफ टेंशन है बच्चा टी वन और इस तरफ टेंशन है टी टू और, और बच्चा, देखो ऐसे घूम रहा है ना तो क्या लिखेंगे तो इसका बेटा हो गया एम एल स्क् देखो बेटा सब में एल कैंसिल हो गया है ना सब में टू कैंसिल हो गया बोलो बेटा ठीक है बात समझे ना तो अब सबको ऐड कर लोगे तो सारा काम हो गया बेटा तीन वेरिएबल है तीन इक्वेशन है है ना मास जीरो पुट कर दोगे तो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट आगे चलो इटू तो मैंने कराया था का? क्लास में बच्चा क्लास में कराया पूछा है कोई देखो बेटा इ थ्री में तो देखो बच्चा इस सवाल में बताओ डायग्राम को देख के बताओ दोनों रस्सियां अलग अलग है कि सेम है ये दो स्ट्रिंग बच्चा अलग अलग स्ट्रिंग है या सेम ही एक ही स्ट्रिंग है बोलते बच्चा ध्यान से देखो डायग्राम को और मुझे बताओ अलग है ना बच्चा है ना अगर अलग है तो क्या होगा अलग है बेटा तो दोनों में टेंस अलग मानेंगे ये टी वन और ये टी टू है ना बेटा ठीक है अब देख बेटा ये मानेंगे कि ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा है ना बेटा और देखो ये पुली जो है ऐसे घूमेगा बेटा अल्फा से ठीक है है ना बेटा तो अब देखो बेटा पुली के जो ये वाला पॉइंट है जो मैंने बनाया अभी पॉइंट ये वाले पॉइंट का बेटा नीचे की तरफ क्या होगा एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन होगा बेटा बेटा अल्फा आर, अल्फा बोलो और देखो बाई तरफ वाला पॉइंट सॉरी दाई तरफ वाला पॉइंट दाई तरफ वाले पॉइंट का ऊपर होगा एक्सेलरेशन अल्फा इंटू वन बोलो ठीक है बच्चा है ना तो अब गौर करो अगर ये टू इंटू अल्फा है बेटा तो ये भी नीचे आ रहा होगा टू अल्फा से और यहां अगर अल्फा इंटू वन है तो ये जा रहा होगा बेटा अल्फा से है ना अब सिक्स के जी के ब्लॉक का इक्वेशन क्या लिखोगे लिखोगे बेटा सिक्स जी माइनस टी वन इज इक्वल टू सिक्स इंटू टू अल्फा है ना बेटा इक्वेशन नंबर वन उसी तरह से थ्री के जी ब्लॉक की बात करो क्या लिखोगे बच्चा टी टू माइनस थ्री जी है ना बेटा इक्वल टू थ्री अल्फा इक्वेशन नंबर टू बोलो बेटा होगा ठीक है अब चलो पुली की बात करते हैं इस पुली का देख बेटा टी वन का लगेगा टॉर्क तो बोलोगे टी वन इंटू टू टॉर्क माइनस टी टू इंटू वन इज इक्वल टू आई अल्फा है ना बेटा क्वेश्चन में आई दिया हुआ है अब इस तीनों को सॉल्व कर लो आ जाएगा आंसर ठीक है अब चलो E4 में देखो बेटा ई फोर में ई फोर में कहता है ई फोर में कहता है बेटा एक यूनिफॉर्म रॉड है एक यूनिफॉर्म रॉड है बच्चा इस रॉड का एक पॉइंट पे हिंज कर दिया इस पॉइंट बच्चा इसको हिंज कर दिया है है ना और कहता है बेटा घूमने के लिए फ्री है है ना नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कहता है ग्रेविटी की बात तुम्हें नहीं करनी है है ना बेटा तो देखो ऐसे फोर्स लगाओगे बच्चा तो इसमें ऐसे ना आएगा बेटा एंगुलर एक्सलेशन है ना तो कैसे लिखोगे लिखोगे टॉर्क कैसे लिखोगे बच्चा टॉर्क टॉर्क क्या लिखोगे लिखोगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा टॉर्क कितना हो गया बेटा एफ इन टू एक्स बराबर आई कितना बेटा एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा बोलो बेटा इक्वेशन नंबर वन है ना अब देखना बेटा इस पे हिंज का फोर्स लगेगा ना बेटा याद है ना हिंज का फोर्स ठीक है क्या बोलेगा ऐसे मान लिया इसका fx है ना बेटा और ऐसे मान लिया मैंने fy ठीक है बेटा इसका कहीं सेंटर ऑफ मास मान लो चलो मैंने ये मान लिया सेंटर ऑफ मास है ना तो इसका सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ में जा रहा होगा ना बेटा ठीक है तो इसके सेंटर ऑफ मास में जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो क्या होगा acm बराबर l 2 अल्फा है ना तो अब तुम देख के बताओ क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलेशन है बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलेशन है क्या नहीं है ना लेकिन फोर्स दिख रहा है एक्सिलेशन मतलब तो नहीं है ना वाई डायरेक्शन में लिखो लिखोगे एफ वाई प्लस एफ बराबर एम ए सी एम है ना एम इन टू एलवाई टू अल्फा समझ गए अब वहां से पुट कर लो साल हो जाएगा तुम्हारा आगे चलो पार्ट टू में आ जाओ पार्ट टू में आओ बेटा पार्ट टू का बोलो इवन हो गया पार्ट टू का इवन हो गया ओके e two पूछना है e three पूछना है e पूछना है e two e three e देख बेटा e two में e two e three e five देखते तो बच्चे हाँ देखो सवाल कहता है एक बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस फिक्स्ड इन एन इनर्शियल फ्रेम द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी ऑन ए पार्टिकल ऑफ द बॉडी नॉट ऑन द एक्सिस देखते बच्चा कहता मान ले कोई एक बॉडी है बेटा मान ले कोई एक बॉडी है ठीक है वो किसी खास एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है ना बेटा तब सोचो अगर मैं कोई यहाँ एक पॉइंट लूं ना बेटा जो कि एक्सिस पे नहीं है तो पॉइंट क्या होगा बच्चा ऐसे सर्कुलर पाथ में जा रहा होगा ना बोलो बोलो है कि नहीं बेटा ठीक है तो सर्कुलर पाथ में जाते हुए पार्टिकल का एक्सिलेशन होगा ना बेटा तो इसका एक्सिलेशन टू वर्ड सेंटर होगा बेटा बोलो होगा ना तो अगर एक्सिलेशन टू वर्ड सेंटर होगा बेटा तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे तो सेंटर को कट करेगा ना बेटा बोलो है ना तो आंसर क्या हो गया सी ठीक है नेट फोर्स और एक्सीन बेटा सेम में ना अब देखो बच्चा ई फोर में ई फोर में कहता है कि द यूनिफॉर्म रॉड द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20, 20 तो किलोग्राम है, है ना बेटा यूनिफॉर्म रॉड है 20 किलोग्राम का लंबाई 1.6 मीटर है ना बेटा सवाल पूछा रॉड का एंगुलर एक्सलेशन क्या होगा कितना सिंपल है बेटा बेटा देख यहां से से सेंटर ऑफ मास ऐसे फोर्स लगेगा है ना हिंज का फोर्स लगाओगे चलो मान लिया फोर्स एफ और ये फोर्स बेटा एफ है ना ठीक है अब इसी को मैं ये हमारा यही हमारा बेटा एक्सिस यही हमारा है ना बेटा एक्सिस तो क्या लिखते हो बताओ सिग्मा इक्वल टू आई अल्फा है ना बेटा टॉर कितना हो गया एम जी इन टू एल बाई टू आई कितना बच्चा तो जिसके अबाउट घूम रहा है ये होना चाहिए और अल्फा निकाल लो बेटा अल्फा कितना सिंपल है है ना समझ गए देखो बेटा यू फाइव में कहता टू मेन सपोर्ट एरिजेंटल रॉड एट टू एंड्स है ना बेटा कहता दो आदमी जो है एक रॉड को दो एंड पे पकड़े हुए हैं है ना बेटा ठीक है अब कहता है बेटा इफ इफ वन ऑफ गो अगर उसमें से एक अगर छोड़ दिया जाए एक अगर छोड़ दे तो दूसरे वाले पे फोर्स बढ़ जाएगा या घट जाएगा है ना बेटा देखो सवाल कहता है बेटा सवाल में देखना कि ये हमारा एक रॉड है बेटा मान लेते हैं है ना बेटा दोनों एंड पे दो लोग पकड़े हुए हैं इसका मतलब एक फोर्स ऐसे दे रहा है बेटा और एक फोर्स ऐसे दे रहा है और सेंटर ऑफ मास से mg है तो बेटा दोनों तरफ का फोर्स सिमेट्रिकल है या नहीं बोलो तो दोनों तरफ का फोर्स सिमेट्रिकल है या नहीं है ना बेटा सिमेट्रिकल है इसलिए क्या होगा दोनों तरफ का नॉर्मल अभी बराबर होगा बेटा है ना तो एक नॉर्मल क्या हो जाएगा बोलो एक नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा एक नॉर्मल हो जाएगा एम जी बाई टू समझ गए अब कहता है बेटा कि मान लो इसमें से एक छोड़ दिया एक अगर छोड़ दिया तो मान लो एक ही फोर्स लग रहा है बेटा अब जब एक ही फोर्स लग रहा है तो यहां से फोर्स लगेगा बच्चा एम जी लगेगा ना ठीक है अब क्या होगा जब ये छोड़ देगा इधर वाला तो ऐसे घूम जाएगा बेटा तो क्या लिखोगे एम जी इन टू एल बाई टू बराबर आई इन अल्फा ठीक है बच्चे तो अल्फा कितना हो गया देखो अल्फा हो गया बेटा थ्री जी बाई टूल्व बोलो बेटा ठीक है तो अब सोचो बेटा इसके सेंटर ऑफ मास का सर्कुलर पाथ होगा ना बेटा ऐसा ठीक है और अभी देखो रिलीज किया है तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो है बेटा अगर एंगुलर वेलोसिटी जीरो है बाबू इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सिलेशन नहीं होगा अभी अभी क्या होगा बोलो सिर्फ इसमें टेंजेंशियल होगा, कितना होगा तो एल बाई टू अल्फा इसका मतलब हो गया थ्री जी बाई फोर है ना? अब इसका वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो तो एम जी माइनस एन बराबर एम ए टी और इसको यहां पुट करो तो एन हो गया बेटा कितना एम जी बाई फोर तो देखो बेटा अब इतना हो गया और जबकि पहले हमारा कितना था एम जी बाई टू था तो फोर्स घट गया ना बेटा है कि नहीं तो क्या कहेंगे दूसरे वाले फोर्स घट जाएगा ठीक है चलो आगे देता हूं होमवर्क तो आगे का होमवर्क देखो बेटा आगे का होमवर्क दे रहा हूं एक्सरसाइज टू में दे रहा हूं होमवर्क एक्सरसाइज टू में एक्सरसाइज टू पार्ट वन एक्सरसाइज टू पार्ट वन में करोगे वन से लेकर के तक ठीक है बेटा एक्सरसाइज टू पार्ट वन में एक से लेकर के आठ तक ठीक है और टू पार्ट टू में दे रहा हूं टू पार्ट टू में टू पार्ट टू में फर्स्ट कर लोगे सेकेंड नहीं कर पाओगे चलो सेकंड भी कर ही लो सेंटर ऑफ मास का कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा इसमें थर्ड भी कर लेना वन टू थ्री और फोर ठीक है बच्चा फाइव चलो वन टू फाइव कर लेना एक से पांच ठीक है बच्चा एक से पांच तक पार्ट वन में आठ तक और पार्ट टू में पांच तक ठीक है बच्चा चलो अब बाय बच्चा बाय बच्चा बाय